हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद एन अकेडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह है शुभम अग्रवाल, आरएसएम एसएसबी एलडीसी टॉपर, 854वीं रैंक इन्होंने हासिल की है 15.5 लाख बच्चों को हरा करके। आइए रूबरू होते हैं इनसे और पूछते हैं इनके बारे में कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया और कैसे इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए। शुभम अग्रवाल जी, अपने अब सबसे पहले तो आप एग्जाम का पैटर्न बताइए कि क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है, सब्जेक्ट की वेटेज क्या रहती है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ कहाँ से डेटा आपने जुटाया, कौन कौन से टीचर से आप पढ़े और कितना ड्यूरेशन आपको मिला, टाइपिंग कैसे सीखी, सब कुछ इस एग्जाम के बारे में। तो इसके इसमें दो चरण रहते हैं। पहला वाला चरण जो है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से स्टार्ट होता है, जिसमें दो एग्जाम होते हैं। दोनों का वेटेज अप्रोक्स 200-200 मार्क्स का रहता है। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें आता है आपका मैथ्स, साइंस, राजस्थान जीके करंट और जी के करंट जीके। एक्चुअली हाँ, तो ये इसमें एक्चुअली 100-100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। 200 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है, 200 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है, 100 मार्क्स का ईच पेपर होता है, दो पारियों के अंदर एग्जाम होता है। तो फर्स्ट में मतलब दो पालियों आपने के। हाँ जो मैथ्स है, करंट जी के है, साइंस वगैरह है, और सेकंड में आपने इंग्लिश और हिंदी। तो हर सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि प्रत्येक जी, सब्जेक्ट को आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया। तो मैथ्स के लिए मैंने अपनी जो बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे आर एस अग्रवाल की किताब, जी क्योंकि मैथ्स जो होता है वो एक सिंपल स्टेज का जो है प्राइमरी स्टेज का मैथ इसमें पूछा जाता है। जी इसमें आपसे एडवांस मैथ ज्यादा नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तो जैसे एक आध ट्रिग्नोमेट्री का सिंपली क्वेश्चन, जो कि 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड को कवर कर रहा होगा, जी वहां तक का पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो उसके लिए आप अगर चाहो तो राजस्थान बोर्ड की किताबों को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जी वो भी बहुत बढ़िया किताब रहती है 10th तक की मैथ्स की। अगर आप उन किताबों को कवर कर लो तो वो बेस्ट है किताब है। जी तो मैथ्स में सिंपली एक बार उनको निकालना होता है, अपने देखना होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आप जिसको नहीं कर सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको आप ढंग से सीख जाओ ताकि आप उसको इजीली निकाल सको। वरना इसमें टाइम जो होता है वो करीब 3 आवर्स मिलते हैं ईच पेपर को। फर्स्ट पेपर के लिए भी 3 आवर्स रहते हैं और सेकंड पेपर के लिए भी 3 आवर्स रहते हैं, और जी बीच में शायद 1 2 घंटे का गैप भी मिलता है दोनों एग्जाम्स के जी बीच में। जी जी तो मैथ्स इजीली प्रिपरेशन हो गई उसकी। सिलेबस को फॉलो करना है, सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है। सिलेबस से आउट मैथ्स में तो कुछ भी नहीं पूछते हैं वो। जी बिल्कुल फिर साइंस अगर आप देखो तो साइंस में 6th to 10th क्लास तक की एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की किताब है, जिसमें भी आप देखोगे कि 6th to 8th तक की तो आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे, बिल्कुल मतलब सही बात। इन अप्रोक्स 2 वीक्स। 2 वीक्स टू में आप वीक 6 to 8 कवर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 2 वीक्स मोर देन इनफ टाइम है, बिल्कुल मोर देन इनफ टाइम है। उसमें आप इसको पढ़ भी लोगे, आप चाहो कि इसकी समरी बनाना तो आप इसकी समरी भी बना लोगे। इसके बाद भी आप इन टॉपिकों को अगर किसी और बुक से, जैसे अपने पास लूसेंट की साइंस की बुक है, आप चाहो कि मैं थोड़ा सा इसमें से भी देख लूं कि क्या एग्जाम में कुछ अलग पूछा जाता है, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वो ज्यादा गौर देते हैं एग्जाम्स में, तो आप वो भी दे सकते हो। मगर मेरा जो मेन चीज जो मैंने यहाँ पे की थी वो थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे बेहतर चीज है, वो ही आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको किस चीज पर ज्यादा गौर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से इस चीज का पता चलता है। तो जो कुछ एसएससी के प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन थे साइंस के, बेसिकली साइंस के, जैसे किरण की किताब आती है अपनी जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से करीब 1,500-2,000 क्वेश्चन होते हैं साइंस के, जो कि 3 से 4 दिन में पूरे कवर हो जाता है। तो वो मैंने पढ़ रहे थे उसी 2 वीक के अंतराल में, और उसके बाद मैंने जल्दी फिर 9th 10th की भी कवर कर ली, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो इजीली आप उनको पढ़ते चले जाओ। बिल्कुल न्यूमेरिकल पे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती है, मगर अब थोड़ा जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है
राजस्थान बोर्ड का भी एग्जाम लेने का, तो इनको केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लगने लगी है आजकल टाइम पे, इनको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगी है। तो ये जैसे रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह होती है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है, या क्या उत्प्रेरक होगा, या फिर किसके आयन कितने हैं, बेसिक बेसिक सवाल जो अपने 10th क्लास तक पढ़े थे उनको ही पूछते हैं। और वो क्वेश्चंस आर्ट्स वाले बच्चों के लिए या अन्य बच्चों के लिए ऐसा हो जाता है कि इन्होंने क्या पूछ लिया, टफ पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज बनाया जा सकता है, अगर उसको बच्चा सीखने की कोशिश करे तो बहुत ही ईजी है और बहुत इजीली सीखा जा सकता है। ऐसे ही कभी कभी फिजिक्स में जब इनको थोड़ा टफ बनाना होता है क्वेश्चन को, तो इनके पास बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया है पेपर को टफ बनाने का। जैसे ये फोर्स हुआ, जैसे फोर्स है, एनर्जी है, इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसपे सिंपली फॉर्मूलाज पे छोटे छोटे दो तीन वैल्यू डाल के एक न्यूमेरिकल बना देते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को फॉर्मूला तो याद हो जाता है बुक्स को पढ़ने के बाद, मगर उसको अप्लाई करना वो नहीं सीख पाते। सही बात है। तो वहां वो अगर थोड़ा सा अप्लाई करके उसके दो तीन अगर न्यूमेरिकल भी देख लें, जैसा कि बोर्ड की किताबों में दे रखा है और जो कि लूसेंट वगैरह में बहुत कम दे रखा है, तो वो इजीली उन क्वेश्चनों को भी बना सकते हैं। जैसे लेंसेज के, लेंस के कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल, वस्तु अगर कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरह के प्रश्न। तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी तो इजीली साइंस मेरी बहुत अच्छी गई। मैथ्स में मैंने आए थे अप्रोक्स 48 मार्क्स थे मेरे, फिर उसके बाद साइंस जो थी उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 36 के आसपास साइंस में मार्क्स थे। फिर राजस्थान जीके जो थी वो मेरा एक वीकर सेक्शन था। कैसे किया राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स को, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के छात्र तो एकदम अलग चीजें हैं आपके। करंट अफेयर्स राजस्थान जीके को करने के लिए मैंने कम से कम 4-5 प्रकाशन की अलग अलग किताबें खरीदी। शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आता था, तो पहले मुझे किसी, मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ इंटरव्यूज देखे, तो उन्होंने किताबें बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं, उनको पढ़ने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो मैंने हिंदी साहित्य अकादमी की कुछ किताबें खरीद ली, हिंदी साहित्य अकादमी है शायद उसका नाम, जो ऑथेंटिक किताबें आती हैं उसकी, उससे मैंने कुछ किताबें खरीद ली, उनको मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे मजा नहीं आया उसको पढ़ने में, ना तो उसमें कुछ समझ में आ रहा था बहुत अच्छा था, और ना ही वो एग्जाम के व्यू से उन्होंने बना रखी थी। उसमें डेटा तो था, डेटा तो था, मगर सिंक करके नहीं था, उसमें ढंग से पॉइंट नहीं बना रखे थे उन्होंने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरलाइन नहीं कर रखा था, चीजें थोड़ी हॉचपॉच थी उसमें कंडीशन उसको। देन मैंने उसके बाद फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि मुझे किया था आपका सिकवाल तो मैंने बहुत लास्ट में पहुंचा सिकवाल पे जी। सिकवाल से पहले भी मैंने 2-3 किताबें पढ़ी, फिर लास्ट में मुझे सिकवाल मिली, तो फिर मैंने थोड़ी सिकवाल पढ़ी, तो उसमें डेटा जो था वो एकदम साफ पता चल रहा था कि भाई ये चीज अंडरलाइन है, ये चीज पढ़नी है, जो जो चीज पढ़नी है उनकी एक टेबल भी बनी हुई है कि क्या चीज, क्या डेटा तुमको याद करना है। तो सिकवाल तक पहुंचने में, सिकवाल से पहले मैं उसको नकारता रहा, धरोहर पब्लिकेशन की किताब मैंने पढ़ी थी, धरोहर ही पढ़ी थी। फिर लास्ट में मैं सिकवाल पे पहुंचा और फिर सिकवाल तो बहुत अच्छी किताब लगी मेरे को। अगर किसी को सबसे सही तरीके से अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सिलेबस को कवर करना है और वो ये भी चाहे कि, क्योंकि इसमें है ना, आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे तब भी थोड़ा ही मार्क्स जो होंगे वो वेरी कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना राजस्थान जीके के अंदर कि ज्यादा डेप्थ के अंदर चीजें आती नहीं है, बेसिकली जो ये एग्जाम है इसमें डेप्थ में चीजें आती नहीं है क्योंकि आरएस लेवल का एग्जाम नहीं है, तो इसमें ऊपर ऊपर की चीजें आती है लेकिन सिलेबस वास्ट है, तो सिकवाल उसे अच्छे तरीके से कवर करवा देता है, तो वो चीज है। तो सेकंड जो सब्जेक्ट है आपके हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपने क्या क्या किया? हिंदी और इंग्लिश के लिए भी मैंने पहले मैंने सोचा कि अपनी वो पुरानी जो ग्रामर की प्लिंथ टू पैरामाउंट वगैरह वो पढ़ के देखता हूँ, क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था एसएससी के टाइम से। बिल्कुल। फिर वो भी वास्ट थी टाइम के हिसाब से, वो मेरे लिए थोड़ी वास्ट हो गई क्योंकि मैं पहले रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा था, फिर
उसकी सिलेबस में हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, रेलवे वाले सिलेबस में हिंदी इंग्लिश नहीं आता है। फिर तब मुझे लगा कि भाई हिंदी इंग्लिश भी जल्दी से अपने को तैयार करनी पड़ेगी, तो हिंदी के लिए मैंने राजस्थान बोर्ड की जो किताब आती है हिंदी की, बिल्कुल जो शायद 8th to 10th क्लास तक वो कॉमन किताब होती है एक हिंदी की, वो मैंने पढ़ी। वो किताब बहुत ही अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि वो पूरा एग्जाम कवर कर सकती है, उसके भी कुछ वीकर पॉइंट है। वो एग्जाम में उसका डेटा जो है वो आधा अधूरा रह जाएगा। मतलब अगर आप ग्रामर की बात करो तो हाँ, ग्रामर वो कवर कर लेगी, संधि समास वो आपको पढ़ा सकती है, मगर पर्यायवाची शब्दों की अगर आप बात करो, विलोम शब्दों की बात करो, तो उसमें वो शब्द सूची बहुत ही लिमिटेड है, आप पूरा उससे कवर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए राय पब्लिकेशन की एक किताब आती है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होते हैं, उस बुक से मैंने पढ़ाई करी। वो एक बहुत सही बुक थी, और मुझे लगता है कि मेरे एग्जाम में आउट ऑफ जो 200 क्वेश्चन थे, शायद हिंदी इंग्लिश के 200 क्वेश्चन थे, उसमें से 150 प्लस क्वेश्चन तो उसमें होंगे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, उससे उसमें सब था। मतलब उस किताब को अगर ढंग से 2-3 बार पढ़ा जाता, क्योंकि मैंने उसको बहुत कम टाइम दिया, मैंने उसको लेट पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा मेरा वीकर पॉइंट रह गया। अगर मैं उसको थोड़ा और पहले से पढ़ना स्टार्ट करता तो उसमें सब था। ऐसे आप अगर सिखवाल को देखोगे तो पेपर में जो पूछा जाएगा उसमें सब है। तो एक बार अच्छे से अगर आदमी शुरुआत ही अच्छी किताब से करे, जैसे सिखवाल से स्टार्ट करे, और 2-3 महीने तक उसको पढ़े, फिर रिपीट करे पढ़े, क्योंकि ये डेटा एक बार में याद नहीं होता है, डेटा एक बार में याद नहीं होता। और फिर राजस्थान जीके में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो व्यक्ति को स्पेसिफिक कवर करने चाहिए, जैसे उसको कम ध्यान देना चाहिए राजा महाराजाओं पे, बिल्कुल हिस्ट्री नहीं आती है, देना चाहिए ज्योग्राफी नहीं आती, आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी ज्यादा ज्योग्राफी के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा ज्योग्राफी से आते हैं। अगर उसको हिस्ट्री पढ़नी है और कहीं पे उसको पुश करना है खुद को, तो मॉडर्न हिस्ट्री में उसको पुश करना चाहिए। बिल्कुल मॉडर्न राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा वैल्यूएबल है, उसका साइज भी कम है और उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। बिल्कुल सही बात। फिर एक सबसे जरूरी चीज जो है राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, वो है आर्थिक समीक्षा का सार। बिल्कुल सही बात है। आर्थिक समीक्षा का सार इकोनॉमिक सर्वे में से जितने भी करंट अफेयर्स अगर आप कुछ बात करोगे राजस्थान के करंट अफेयर्स की, तो उसमें से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आर्थिक समीक्षा में से आती है। तो अगर आप आर्थिक समीक्षा देखोगे जो सरकार जारी करती है, वो एक 400 पेजेस की एक मोटी बुक रहती है, और फिर अगर आप किसी बुक शॉप पे जाके उसका सार देखोगे तो वो 50 से 60 पेजेस का रहता है सिंपली, और उसमें वो सारा डेटा कवर कर लेते हैं जो एग्जाम्स में आने वाला होता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो एक मस्ट चीज है, किसी को भी अगर कोई भी राजस्थान का एग्जाम देना है तो आर्थिक समीक्षा का सार कम से कम पेपर से महीने भर पहले खरीद लेना चाहिए, और उसको 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए। कभी भी डेटा पे ये खुद को पुश नहीं करना चाहिए कि भाई मुझे ये एक बार पढ़ के याद क्यों नहीं हुआ, सिंपली एक बार पढ़ो, याद नहीं हुआ मार्क कर दो, आगे बढ़ो। जिद नहीं करनी है किताब के साथ, किताब के साथ दोस्ती करनी है, और उसको धीरे धीरे से सहला सहला के उसको अपना काम कंप्लीट करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से जो चीजें याद नहीं हो रही है सिंपली उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो नंबर्स तो वैसे ऑब्जेक्टिव जी, हाँ जब वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ भाई ये जो था वो यही था या इसके आसपास ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। टाइपिंग के लिए क्या किया आपने, जैसे रिटन एग्जाम तो हो चुका था, टाइपिंग के लिए क्या किया, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपने, जैसे इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो कभी टाइपिंग से पाला पड़ा नहीं आपका, तो कहाँ से सीखी, मतलब घर पे ही किया या कहीं सीखी? हाँ। तो टाइपिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, इंजीनियरिंग के टाइम पे भी थोड़ी बहुत टाइपिंग की थी, मगर वो इस तरह से नहीं होता था, वहां पे हम रेंडमली बटनों को दबाते थे, उनको देखते थे, स्क्रीन पे ध्यान ना रह के पूरा कीबोर्ड पे ध्यान रहता था। तो मैंने एग्जाम खत्म होने के 1 महीने बाद टाइपिंग स्टार्ट की। फिर आपको पता है कि हमारे टाइपिंग वाला जो फेज था ये 1 साल का, इन्होंने काफी लंबा एनलार्ज कर दिया उस पीरियड को। और फिर कभी लगता था कि भाई टाइपिंग का एग्जाम होने वाला है, टाइपिंग लगा लो, तो टाइपिंग लगा लेते थे। फिर ये लगता था भाई बहुत दिन हो गए अब टाइपिंग करते करते, अब तो एग्जाम होने ही नहीं वाला है टाइपिंग का, दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो फिर से उसको छोड़ के फिर लाइब्रेरी, दो ही चीजें मैं लगाता था उस टाइम पे, या तो टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग वाले के पास टाइपिंग जाना,
या फिर लाइब्रेरी लगाना। पहले उसको छोड़ा, उसको लगाया, उसको छोड़ा, उसको लगाया, तो अप्रोक्स मैंने 1 साल इसमें लगाया टाइपिंग में। वो भी ऐसे कि कभी 2 महीने टाइपिंग कर ली, फिर अच्छा 2 महीने का गैप दे दिया, फिर 2-3 महीने टाइपिंग कर ली, 2-3 महीने टाइपिंग। 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं की, यही एक मैक्सिमम टाइम रखा, क्योंकि टाइपिंग का जो प्रोसेस है ये बड़ा दर्दनाक है किसी आलसी व्यक्ति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सीधा बैठना और एकदम हाथों को सीधा रखना, अपनी नजरों को कंप्यूटर पे टिका के रखना, तो बिल्कुल ये बड़ा परेशानी वाला काम होता था। तो टाइपिंग करते हुए भी मुझे लगता था कि भाई इससे बढ़िया तो अगर मैं पढ़ाई करूँ ना तो ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल तो फिर बिगिनर्स के टाइपिंग लिए मैंने की थी। मतलब 1 घंटा भी अगर वो निकालते हैं स्टार्टिंग में, 1.5 घंटा, जैसे 45 मिनट इंग्लिश के लिए, 45 मिनट हिंदी के लिए, तो मोर देन सफिशियंट है, आराम से 3-4 महीने में अच्छी स्पीड हो जाती है। बिल्कुल सही है। बस तो टाइपिंग की स्पीड जो थी, हमारा टाइपिंग जहाँ पे मैंने लगाई थी, जैन कंप्यूटर्स था भरतपुर में, तो वो बहुत ही, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे टाइपिंग करते थे, एकदम टाइपिंग हब था वो भरतपुर का, और फीस भी वो काफी अच्छी लेते थे, और काफी समय टाइपिंग की। तो वहाँ पे कंपटीशन होते थे बच्चों में आपस में, जैसे 10-10 बच्चे बैठ के आपस में एक ही सेम टेस्ट को, काफी सारे टाइपिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें बिल्कुल सेम टेस्ट को वो लगाते थे बार बार, और फिर अपनी स्पीड चेक करते थे। तो उस टाइम पे जब मैं टाइपिंग करता था तो 65 तक मेरी हिंदी की चली गई थी टाइपिंग, वेरी गुड। हाँ मतलब 65 वर्ड पर मिनट, बहुत बड़ी बात है। 65 वर्ड पर मिनट हिंदी में भी चली गई थी, और 60-65 तक मैं इंग्लिश में भी टाइप कर लेता था। फिर बस वो छोड़ने और बार बार करने, इसकी वजह से वो कम होती रही, बढ़ती रही, कम होती रही, बढ़ती रही। एग्जाम जब था उस दिन टाइपिंग का, तो मेरा आर्या कॉलेज में सेंटर आया था, जी तो उसमें भी कुछ परेशानियां हुई मेरे साथ जब मैं टाइपिंग का एग्जाम देने गया। तो जब मैं टाइपिंग देने बैठा तो वहां पे एक बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन होती है, बिल्कुल आपके कानों में बहुत ज्यादा साउंड आ रहा होता है, टका टक टका टक, इस तरह सब बज रहा होता है, पूरा कमरा ही जो है वो कीबोर्ड की ध्वनि से भर जाता है। तो शुरू में 1-2 मिनट तक मैंने खुद को संभाल रखा था, मैंने कि भाई अपने को, अपन को पता है कि हम कर सकते हैं इसको, तो पेशेंस बिल्कुल बना के रखो, धीरे धीरे करते रहो। मगर वो साउंड होता है वो आदमी को डरा देता है, तो उसके डर से फिर मैंने टाइपिंग करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बहुत तेज टाइपिंग की, तो मैंने करीब 8 मिनट में हिंदी टाइप कर ली थी पूरी, और 8-9 मिनट में मैंने इंग्लिश भी पूरी टाइप कर ली थी। हिंदी टाइप करने के बाद मुझे पता चला कि वो कीबोर्ड बहुत टाइट था, और मुझको एकदम टच टाइपिंग करने की आदत थी, बस वर्ड को छूना है, उसको बहुत जोर लगा के प्रेस नहीं करना है। बिल्कुल तो कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर और तिलक पे बेस्ड वो पैरा था जो उन्होंने टाइप करवाया था, और जी उसमें ब्रिटिश शब्द का बहुत बार यूज था। और जब वो पैराग्राफ पूरा टाइप हो गया तो मुझे पता चला कि उसमें शाय ऐसा बटन था जो दबा ही नहीं था, तो ब्रिटिश जो था वो ब्रिटी ही रह गया, वो ब्रिटिश नहीं बन पाया उसमें। ओके तो कितने उसकी मार्क्स आए वजह से आपके कुछ मार्क्स ओवरऑल, कितने मार्क्स मेरे आए आपके? टाइपिंग में, मेरे ओवरऑल मार्क्स थे 234 के आसपास थे, 234, टाइपिंग में कितने थे? 300 में से। टाइपिंग टाइपिंग में कितने थे? बहुत में मेरे थे 95 मार्क्स थे टाइपिंग में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 95 पॉइंट कुछ मार्क्स थे टाइपिंग में। वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स हाँ, हैं। 95 तो उसमें कुछ मार्क्स इंग्लिश में भी कट गए थे और कुछ मार्क्स हिंदी में भी कटे थे, वो बहुत कम थे, जैसे एक एक, जो कि एक मानवीय गलती मान के उसको माना जा सकता है। मगर कुछ उन्होंने एफिशिएंसी में मेरी दो दो मार्क्स काट लिए, वो थोड़ा इनजस्टिस था, वो पता ही नहीं उन्होंने कैसे काट लिए, क्यों काट लिए, क्योंकि मैं भी जिस इंस्टीट्यूट पे सीखने गया था एफिशिएंसी, वहां मैंने बच्चों को सिखाई थी एफिशिएंसी, मैं जी गया सीखने था, फीस मैंने भरी थी, मगर बच्चों को सिखाई थी मैंने वहां पे एफिशिएंसी, और बच्चों के 50-50 मार्क्स आए और मेरे 48 रह गए उसमें एफिशिएंसी में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो गया एग्जाम। मुझे लगा भी नहीं था कि इतने कम मार्क्स पे इतनी ठीक रैंक मुझे मिल जाएगी। जी, बिल्कुल जैसे प्रेजेंट में मैं पोस्टेड हूँ संभागीय ऑफिस अजमेर में, जी। तो मुझे उस समय लगा नहीं था कि मुझे ठीक ठाक मिल जाएगी। तो मुझे लगता था कि है ना,
नंबर अपने कमी है और ऐसा होगा कि हमको कहीं दूर फेंका जाएगा, तो मुझे लगा कि संभागिया अजमेर एक फिक्स जगह हो जाएगी कि भाई कहीं भी दूर तो नहीं फेंकेंगे, अजमेर तो अजमेर ही, दूर नहीं फेंकेंगे बिल्कुल। और फिर मैं उस समय आरएएस की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक अच्छा बड़ा ऑफिस जहाँ पे काफी सारे हमारे ऑफिस में 2-3 आरएएस रैंक के अधिकारी बैठते हैं, आईएएस रैंक की भी अधिकारी बैठते हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ अच्छा इनको सीखने इनसे सीखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने ये ऑफिस चूज किया और मिलता भी है सीखने को काफी सारी चीजें, पता चलता है कि सिविल सर्विसेज वाले लोग क्या काम करते हैं, वो कैसा उनका बिहेवियर रहता है, उनको कैसा बिहेवियर बनाना पड़ता है अपना, लोगों से कैसा काम करवाना पड़ता है किस तरह। बिल्कुल। तो सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा काम सीखने को मौका मिल रहा है और एग्जाम बहुत इजी है, बस उसको इजी नजरिए से देखो, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है हर चीज के लिए, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, अगर कंसिस्टेंसी है तो आदमी अगर 2-3 घंटे भी पढ़ेगा तो वो भी काम कर सकता है। बिल्कुल। और उससे भी जरूरी चीज होती है अच्छा गाइडेंस मिलना, सही बात है, वो अगर एक ही चैप्टर में 5 दिन लगा रहा है तो उसको कोई टोकने वाला हो कि भाई तू यहाँ गलत कर रहा है, यहाँ 5 दिन नहीं लगेंगे, तेरा टारगेट यहाँ 3 दिन ही होना चाहिए था और क्या तूने 3 दिन में कवर कर लिया ये, तो उसको चेक करने वाला भी, क्रॉस चेक करने वाला भी वहां पे कोई होना चाहिए, तूने कवर किया तो क्या तूने ठीक ठाक कवर कर लिया है, जरूरत के हिसाब से काम हो चुका है, बट अगर ये होता रहे तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं है, तो आदमी कर सकता है उसको। बहुत 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 मजा आया शुभम जी आपके साथ बात करके, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आपसे और उम्मीद है आप इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को और गाइड करते रहेंगे। हम आपके बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमसे जुड़े और आगे हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से प्रगति करते रहें और जो उच्च पद है आरएएस आईएएस उन तक पहुंचे और हमें वापस इंटरव्यू दें ताकि हम वापस से बच्चों को गाइड कर सके कि इस तरीके से तैयारी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।